हेलो माय ट्यू फैमिली। तो यार कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब मस्त चकाचा एकदम मजे में होंगे। तो यार स्वागत है आप सभी का हमारी एक न्यू फ्रेश वीडियो में। तो यार खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आई एम बैक। क्या मेरे वापस आने की खुशी नहीं है? तो भाई यहाँ पे देखो, अगर मैं तुम सभी को कहूँ कि तुम सभी को बिल्कुल फ्री में ग्लूवल की स्किन मिलने वाली है, बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल फ्री में मैजिक क्यों मिलने वाला है? बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलने वाले हैं। ऐसी ऐसी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, ऐसी ऐसी चीजें आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं, सोची ना होगी। तो आज के स्टूडियो में आप सभी को अपनी 5th एनिवर्सरी का कैलेंडर दिखाने वाला हूँ। और यही नहीं भाई लोग, आज के स्टूडियो में आप सभी को अपनी 5th एनिवर्सरी का इवेंट भी दिखाने वाला हूँ। इवेंट का इंटरफेस दिखाने वाला हूँ, इवेंट के अंदर इवेंट दिखाने वाला हूँ, मतलब इवेंट के अंदर क्या कुछ तुमको फ्री में मिलने वाले वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो भाई आज की वीडियो लिटरली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई आज के इस वीडियो को ना बिना स्किप किए एंड तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं BGMI के बारे में। जैसे कि आपको पता है BGMI यार बैन हो चुका, और आपको पता होगा पहले पबजी था, पबजी बैन हुआ बड़ी मुश्किल से, तो इसने यार पुनर्जन्म लिया था यहाँ पे BGMI बनके। लेकिन यार अब BGMI मतलब पबजी का जो बच्चा हुआ था भाई लोग, वो भी यहाँ पे मतलब अच्छे से यार सर्वाइव नहीं कर पाया, और मतलब इतनी जल्दी यहाँ पे मतलब कि मर चुका है भाई। यहाँ पे जो अपना BGMI है वो भी यार मतलब परमानेंटली तो बैन नहीं हुआ, मतलब बैन तो हुआ है, अभी BGMI वालों ने थोड़ा मतलब स्टेटमेंट वगैरह दिया, लेकिन जहाँ तक मतलब मुझे नहीं लगता कि वापस आएगा अभी, क्योंकि अपना जो फ्री फायर था ना भाई, देखो गया था, आपको मालूम होगा भाई लोग, टेम्प्ररी बैन हुआ पहले, लेकिन परमानेंटली बैन कर दिया। अभी तक अपना फ्री फायर वापस नहीं आया, तो शायद BGMI भी मुझे नहीं लगता कि यार वापस आने वाला है। और अभी के टाइम पे यार फ्री फायर को भी काफी सारे बंदों ने यार खेलना छोड़ दिया, जो अपने पुराने प्लेयर्स थे ना उन्होंने यार फ्री फायर को खेलना छोड़ दिया है। मतलब कि यार फ्री फायर भी यार जो अपना है ना आधा डेड हो ही चुका है यार भाई लोग, मतलब कि 50% तो यार फ्री फायर भी खत्म हो ही चुका है। बाकी यार क्या करे यार, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर दे भाई लोग। बाकी यार बढ़ते अपनी अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो अपना टॉप क्रिमिनल है भाई, इसका यहाँ पे इंक्यूबेटर आने वाला है। यहाँ पे जो अपना जो 5th एनिवर्सरी स्पेशल, इसका आपको इंक्यूबेटर देखने को मिलेगा, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई। यहाँ पे इंक्यूबेटर में यार यहाँ पे कौन लेगा बताओ यार, मतलब कि टॉप का अगर आपको ये निकालना है ना टॉप नियोन क्रिमिनल, तो भाई यहाँ पे इंक्यूबेटर में पैसे बर्बाद करने, और अभी के टाइम पे अगर आप इसमें पैसे लगाते हो तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। साफ सीधी बात है भाई, मैं तो गेम पे पैसे अभी लगाते नहीं मेरे। अगर आप रिसेंटली बैच चेक करोगे तो 25 बैच मैंने कंप्लीट करी इस महीने भाई, सबसे ज्यादा बैच तो मैंने कंप्लीट करे मुझे लग रहा है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको देखो और भी क्रिमिनल देखने को मिलेंगे भाई लोग, यहाँ पे अपना रेड भी पर्पल वगैरह सब देखने को मिलेंगे भाई। यहाँ पे देखो पर्पल क्रिमिनल है, येलो क्रिमिनल, सब देखने को मिलेंगे आप सभी को। यहाँ पे पर्पल क्रिमिनल भी काफी अच्छा है, ब्लू भी अच्छा है, और येल्लो वाला मेरा तो यार येल्लो वाला फेवरेट है, बट जो कि सबसे नीचे होगा उसको निकालना भी आसान रहेगा, बट यार वो भी मैं नहीं निकालूंगा येल्लो वाला, क्योंकि भाई क्रिमिनल हो या फ्रिमिनल हो अभी के टाइम पे गेम पे कोई आइटम रेयर नहीं है भाई। ग्रेना कुछ भी दे सकता है, सकुरा भी रिटर्न दे सकता है, और अभी निकालने का कोई फायदा नहीं, गेम का भरोसा नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं भाई। क्या पता भाई कल के दिन गेम बैन हो जाता है भाई, मेरा जो पैसा इसमें लगाया है भाई वो तो निकल जाएगा ना, डूब जाएगा। अभी तक बहुत पैसे मैं डुबा चुका हूँ, अब आगे यार एक भी पैसा नहीं डुबाना चाहता हूँ। और आपको भी यही बोलना चाहता हूँ यार, गेम में पैसे मत लगाना भाई, जो कुछ करना मजे के लिए गेम खेलो, चिल करो, फ्री के आइटम लूटो, लेकिन गेम में पैसे नहीं लगाना, क्योंकि भाई जो एक बार पैसे लगा दी वो तुमको वापस तो नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा वो यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट में जाएगा तुमको दोबारा से रिटर्न मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पैसा बर्बाद होगा, तो भाई अपने जो पैसे है वो गेम में अभी के टाइम पे मत लगाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो यार लोग बात करते हैं अपने 5th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में। तो यार इवेंट का जो इंटरफेस होने वाला है ना कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो इसका लोडिंग हुआ ना। तो यहाँ पे देखो इसमें आप सभी को क्या कुछ देखने को मिल रहा है, मतलब क्रिमिनल देखने को मिल रहा है और डिनो भी देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है यार कुछ रेयर बंडल आपको यार रिटर्न देखने को मिलेंगे, रेयर बंडल का रॉयल देखने को मिलेगा। बाकी इवेंट का इंटरफेस कुछ इस टाइप से आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो यार सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉग इन रिवॉर्ड देखने को मिलता है, जो कि पीक डे के दिन आप सभी को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉप स्वे नाम का एक इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पॉप स्वे के दो अलग अलग इवेंट होंगे, जिनमें कि आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा जो इवेंट के अंदर इवेंट रहते हैं भाई लोग, जहाँ पे कि आपको कुछ क्विज टाइप की कंप्लीट करने पड़ते हैं, फिर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मिशन कंप्लीट करने पड़ते हैं, सेम वही होने वाला है। और यहाँ पे BTS व्हील, मतलब BTS का कुछ आपको फिर से देखने को मिलेगा, बंडल्स तो आ रखे हैं, बाकी आपको अपनी जो है
M1887 की स्किन भी देखने को मिलने वाली, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो इसी के अंदर आप सभी के यहाँ पे एक्सचेंज स्टोर देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे कि टोकन के बदले आप यार अपना बंडल वगैरह जो रिवॉर्ड आपको मिलेंगे वो एक्सचेंज कर पाओगे। यहाँ पे एस्ट्रो मैप यहाँ पे देखने को मिलेगा, एस्ट्रो मैप आने वाला 5th एनिवर्सरी में, जो कि मैंने वो भी अपडेट में आपको दिखाया था यार एस्ट्रो मैप, जहाँ पे कि आपको यहाँ पे यूनिवर्स टाइप का है वहाँ पे जंप वंप करना पड़ेगा, इस टाइप से कुछ आने वाला है। और जो इवेंट के अंदर यहाँ पे पॉप स्वेयर है, यहाँ पे देखो क्या कुछ है, यहाँ पे फेडेड व्हील वगैरह आ रहे हैं भाई, जो कि डायमंड वाले इवेंट या टोकन टावर इवेंट हो गया, जिसमें कि एक क्रिमिनल देखने को मिल रहा है। अब क्रिमिनल का पूरा वो भी देखने को मिल सकता है, क्या क्या देखने को मिलता है यार देखते हैं। अभी यहाँ पे इंक्यूबेटर भी दिखाया जा रहा है, टोकन टावर इवेंट दिया जा रहा है, वेब इवेंट भी दिया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। अब अपने इंडियन सर्वर पे देखते हैं किस में आपको देखने को मिलेगा। अगर इंक्यूबेटर में आएगा तो आपको पता है सारे क्रिमिनल आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो एस्ट्रो मैप मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से होगा, यहाँ पे बहुत सारे मैप आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अपने बरमुदा वगैरह के अंदर की लोकेशन है, इसमें आपको एस्ट्रो मैप देखने को मिलेगा, मतलब यूनिवर्स टाइप का कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी और अलग ही मजा आएगा गेम खेलने का। यार आप में से कितने बंदे यहाँ पे एस्ट्रो मैप खेलने के लिए यार यहाँ पे एक्साइटेड है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप लोग मेरे को बताना आजकल आप लोग फ्री फायर को कितना खेलते हो, मतलब पहले जितना खेलते हो या नहीं खेलते हो, क्योंकि मैं तो यार पहले जितना नहीं खेलता, पहले बहुत ज्यादा खेलता लेकिन अभी नहीं खेल पाता उतना, बट आप लोग बताना आप मतलब पहले जितना खेलते हो अभी थोड़ा बहुत कम खेलते हो। अब बात करते हैं अपने 5th एनिवर्सरी के यहाँ पे कैलेंडर के बारे में, जो कि यहाँ पे थाईलैंड पे स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, लेकिन अपने इंडियन सर्वर आपको 5 अगस्त के बाद देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, सबसे पहले आपको लॉगिन 5 दिन का लॉगिन रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिसमें कि आपको बैनर अवतार और पिन दिया जा रहा है। तो यार अपने इंडियन सर्वर भी ज़्यादा रिवॉर्ड सेम ही रहेंगे, क्योंकि भैया जब हर एक सर्वर पे दिया जाएगा इंडिया में भी दिया जाएगा, सेम इवेंट रहेगा एनिवर्सरी का, तो भाई रिवॉर्ड थोड़ा बहुत चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। देखो फिर लॉगिन पे यहाँ पे शर्ट वगैरह ये तो शायद अपने इंडियन सर्वर पे नहीं मिलेगी, बाकी कस्टम कार्ड वगैरह तो मिलेंगे, बाकी फेस पेंट मिल जाएगा आप सभी को यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो पैरासूट का स्किन मिल ही जाता है भाई, पैट का यहाँ पे देखो आपको मिल ही जाएगा, बाकी यहाँ पे देखो कस्टम रूम कार्ड अनलिमिटेड, जो कि आपको पता है भी इस इवेंट में मिल रहा था 2 घंटे के लिए। और साथ में मैजिक क्यूब, देखो मैजिक क्यूब क्या होता है, जो कि 5th एनिवर्सरी में आपको गेम खेलने पे मिलेगा। देखो आपको गेम खेलना पड़ेगा, गेम खेलने के बदले आपको मैजिक क्यूब मिलेगा, जैसे कि एक टाइम लिमिट रहेगा, या तो आपको मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट्स दिए जाएंगे भाई लोग, या डायरेक्ट मैजिक क्यूब दिया जाएगा, बट आपको गेम खेलने के लिए एक टाइम के लिए गेम खेलना पड़ेगा, लाइक 1 घंटे के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा भाई आपको। उसके अलावा यहाँ पे जो है रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, यहाँ पे बैकपैक वगैरह, ग्लूवल का स्किन, देखो यहाँ पे अगर 5th एनिवर्सरी का इंटरफेस यहाँ पे देखोगे तो इंटरफेस में आप पे ग्लूवल का स्किन दिया जा रहा भाई, गन स्किन दिया जा रहा, सर्वबोर्ड वगैरह ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन ग्लूवल का स्किन अगर दिया जाए अपने इंडियन सर्वर पे भी तो यार मजा आ जाएगा। और मैं पहले भी बोल चुका है, मतलब 2 ग्लूवल की स्किन डिजाइन की गई, एक थीम है एक प्रो वाली है, तो भाई हो सकता है यार अपना बर्थडे का टाइम है तो ये फ्री में आपको ग्लूवल का स्किन दे दे। और इसके अलावा यार फ्री के बंडल की बात करें तो यहाँ पे देखो फीमेल का बंडल फ्री में दिया जा रहा है, मुझे पता गरेना वाले हमेशा फ्री का बंडल में फीमेल पकड़ाते हैं, बाकी व्हीकल में यहाँ पे कार का स्किन दिया जा रहा, पैन हो गया, मतलब क्या बोलते हैं अपना बैट का स्किन हो गया भाई, इतना पैन वगैरह का दिया जा रहा। लेकिन यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आप ध्यान से देखोगे भाई, यहाँ पे कटाना का स्किन, कटाना या प्रांग मैं कन्फ्यूज हूँ, लेकिन भाई ये भी दिया जा रहा है। बाकी यार थाईलैंड सर्वर पे कुछ ज्यादा ही दिया जा रहा है, मतलब कुछ ज्यादा ही वो हो गया भाई गरेना वाले, मतलब 3-3 व्हीकल स्किन, देखो यहाँ पे बाइक और मोन्स्टर ट्रक भी है और एक अलग ही गाड़ी का स्किन भी है, देखो यहाँ पे एक अलग गाड़ी का स्क्रीन पे, बाकी कॉल बैक में क्रेट मिलेंगे उसमें डायमंड मिलेंगे, बट कॉल बैक का कुछ गलत अलग ही सिस्टम कर रखा गरेना वालों ने, मुझे पता नहीं दिए भी होंगे किसी को डायमंड या नहीं दिए होंगे। बाकी यार भाई लोग आज की इस वीडियो में इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, लव यू भाई लोग।